देखो फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला सेम प्रॉमिसरी नोट के जैसा होगा, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, रिटर्न होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, जो जो लैंग्वेज जो समझ रहा है वैसे वो यूज कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ी होते हैं तो उनका अलग ही लैंग्वेज चलता है, बिजनेस का जो जैमी रहते हैं, तो बस रिटर्न होना चाहिए, फिर वो जो लैंग्वेज में आपको अंडरस्टूड है आप वो कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश यूज किया जाता है या फिर हिंदी। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन In order to pay, उसमें लिखा होना चाहिए, ऑर्डर वाला वर्ड यूज होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, तो उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, जो ड्रॉवर है वो ऑर्डर देता है किसको, ड्रॉई को, सॉरी, जो ड्रॉवर है जब वो बिल बनाता है तो वो ऑर्डर देता है किसको, पे को, कि वो पे करेगा किसको, ड्रॉई को। आया समझ में मैंने क्या बोला अभी? यस मैम। आगे देखो, तो ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, जो जैसे उसको यूटिलाइज करना चाहे या यूज करना चाहे। और जो बिल होता है, द बिल मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, बिल हमेशा ड्रॉवर को साइन करना चाहिए और एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना, बाय द ड्रॉई। एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉई, साइन कौन करेगा, ड्रॉवर, और ये बिल क्या होते हैं, नेगोशिएटेड होते हैं। आगे क्या है, द बिल, द पार्टीज टू द बिल मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, उसमें मेरा नाम मेंशन होना चाहिए, द पार्टीज टू टू द बिल मस्ट बी सर्टेन पर्सन्स, और जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी सर्टेन होना चाहिए, द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, द बिल मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली, द बिल मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली। 8 point देखो इसमें, The bill must comply with the formalities. The bill must comply with the formalities to date होनी चाहिए उसमें, consideration लिखा होना चाहिए, मतलब something for something बताया मैंने आप लोगों को, place होना चाहिए, time होना चाहिए, स्टैम्प एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो जल्दी से। क्लियर है। अब देखो एक कुछ टर्म्स बता रही हूँ, समझना इन टर्म्स को, ड्रॉई In case of need, देखो drawing in case of need means एक additional drawing जो bill को accept करे, who accepts the bill, ठीक है,
an additional drawee who accepts the bill in case when original drawee does not accept. Clear hua? बताओ, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से. देखो जो डिफरेंस बिटवीन होगा, पहला है नंबर ऑफ पार्टीज में, इसमें कितनी पार्टीज है, दो. क्या क्या नाम है? मेकर एंड पेई, नाम याद रखना. और इसमें ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, प्रॉमिस एंड ऑर्डर टू पे में अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, और इसमें क्या आ जाएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे. क्लियर है यहाँ तक? और टू हिज ऑर्डर, है ना, डेफिनेशन लिखवाई थी ना, उसको ध्यान में रख के लिखना. फिर देखो इसमें क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस. तो प्रॉमिसरी नोट में किसी भी एक्सेप्टेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है. अ प्रो नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ द मेकर बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. बट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसमें जनरली क्या रहता है, रिक्वायर रहता है एक्सेप्टेंस. कल हमने जो स्पेसिमेन पढ़ा था उसमें लिखा था ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेड करके लिखा था कि नहीं, ड्रॉई का. यस मैम, है ना. फिर मेकर्स पोजीशन, जो बना रहा है ना, उसमें क्या पोजीशन है. तो इसमें इमीडिएट रिलेशन लिखेंगे आप. क्या लिखेंगे? इमीडिएट रिलेशन किसके साथ है उनका, क्या पार्टी का नाम है, पे के साथ इमीडिएट रिलेशन. लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसमें जो मेकर, जो ड्रॉवर है, उसका इमीडिएट रिलेशन किसके साथ आएगा, ड्रॉई के साथ, ना कि पे के साथ. क्योंकि ड्रॉवर भी पे कर सकता है, पे भी पे कर सकता है, लेकिन उसमें उसका जो इमीडिएट रिलेशन है वो किसके साथ आएगा, ड्रॉवर का, ड्रॉई के साथ. और यहाँ पे मेकर्स का किसके साथ, पे उसके साथ, क्या नाम है, पे के साथ. क्लियर हुआ? फिर देखो नोटिस ऑफ डिसऑनर. तो इसमें कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें डिसऑनर का नोटिस देना पड़ता है, या नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट का. क्योंकि इसमें तीन पार्टीज हैं, तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉवर ही पे करे, कभी कभी पे ही पे कर सकता है. तो अगर पे ही उसको अमाउंट नहीं दे पा रहा है तो डिसऑनर हो जाएगा, या फिर जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है. आगे चल के कोई इश्यू हो गया, वो बोलेगा कि नहीं अब मुझे 10,000 नहीं चाहिए, अब मुझे 12,000 चाहिए. तो अगर उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया बिल्स को, तो आ रही बात समझ में, तो इसको बोलते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर. पेबल टू मेकर, सिक्स पॉइंट. इसमें क्या होता है, जो मेकर है वो खुद को पैसे नहीं पे करेगा, है ना. लेकिन एक ही पर्सन है, कोई दो पर्सन नहीं है दूसरा, और वही ओरिजिनेटर होता है, वही क्रिएटर होता है जो पे को पे करता है, बात खत्म. और एक प्रॉमिस की तरह. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो जाता है, जो ड्रॉवर और पे है वो कभी कभी सेम पर्सन हो सकते हैं, मतलब जो ड्रॉ कर रहा है वही पे कर रहा है, तो बोथ कैन बी द सेम पर्सन. पेबल टू बियरर, इसमें हम ये नहीं लिख सकते पेबल टू बियरर, हम इसमें क्या लिखेंगे, पेबल टू बियरर. लेकिन बेरर ऑन डिमांड, अगर वो डिमांड करेगा तो. कॉपीज देखो, सिर्फ एक कॉपी, और जो फॉरेन के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से बन के आते हैं, उसकी तीन कॉपी रखनी पड़ती है. प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होता है, बट जो फॉरेन बिल्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, गवर्नमेंट एक्सचेंज करती है एक दूसरे को, तो उनको प्रोटेस्ट कर सकते हैं. किस केस में, जब वो डिसऑनर हो जाएगा तब वो लीगल केसेस स्टार्ट हो जाते हैं. लास्ट है एक्सक्लूसिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस. तो प्रॉमिसरी नोट्स में कोई प्रोविजंस वगैरह नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेक्शन 61 है, सेक्शन 75 है, सेक्शन 108 और सेक्शन 132, चार प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं. नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से, सेक्शन 61, सेक्शन 75, सेक्शन 108 और सेक्शन 132.